हम सब स्टैंडिंग ओवेशन दे करके तालियों से उनको सम्मानित करें। भारत माता की, भारत माता की। एक बहुत ही ज्यादा कदावर शख्सियत हैं, होगा इंतखाबात से रिलेटेड वो ये फरमा रही हैं कि अगर इंतखाबात में नरेंद्र मोदी ही जीत जाता है या बीजेपी दोबारा आ जाती है, वो कहती है बड़ा ही तबाहकुन साबित होगा, तबाहकुन लम्हा इस तरह है कि जी कानून की जगह मजहब की हुक्मरानी जगह ले रही है। मानों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, उन्हें आइडेंटिफाई करके साइडलाइन किया जा रहा है, दीवार के साथ लगाया जा रहा है। उनके मजहबी मामलात के अंदर कभी यूनिवर्सल जो कोड है इनका, ये यूनिफॉर्म कोड जो है उसे लाकर दरअंदाजी की जाती है, दखलंदाजी की जाती है, कभी उनकी मसाजिद को मिसमार करके दखलंदाजी की जाती है और कभी उनके मज़ारात के ऊपर चढ़ाई करके दखलंदाजी की जाती है। दोस्तों भारत जो है वो हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर कर रहा है जिससे वो अपनी आवाम को इंस्पायर कर रहा है। ये एक गगनयान मिशन है जो कि इंडिया का कहा जा रहा है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। कहा जा रहा है कि इसके हवाले से जो इसरो है उसके सेंटर्स के अंदर ये बड़ी तैयारी हो रही थी और ये प्लान था 2024-25 में कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। नमस्कार, भारती पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों आप वीडियो के अंदर देखेंगे कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बात करिए गगनयान की। गगनयान आप जानते हैं कि भारत का मैन मिशन है जिसमें भारत जो है वो चार जो एस्ट्रोनॉट हैं उनको भेजेगी स्पेस में और वो तीन दिन तक स्पेस में रहेंगे और ये बहुत सिग्निफिकेंट है दोस्तों, क्योंकि ये करने वाला भारत जो है वो चौथी कंट्री बनेगी। इससे पहले यूएस, चाइना और जो रसिया है वो बस कर पाई है और अब भारत करेगा, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये इंस्पायर करेगी जो एक आने वाला यूथ है उनको, और इसमें जो है चार लोग सेलेक्ट हुए थे जो आज पहली बार देश के सामने आए, और वो चार सपूत जो है भारत के वो है ग्रुप कमांडर प्रशांत, ग्रुप कमांडर अजीत, ग्रुप कमांडर जो है अंगद और विंग कमांडर जो है सुभांशु शुक्ला। ये चारों लोग चयनित किए गए इससे और इन्होंने ये जो चार लोग हैं ये रशिया से ट्रेनिंग लेके आए हैं और ये तीन दिन तक स्पेस में रहेंगे और ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। दोस्तों आप वीडियो के अंदर ये भी देखेंगे कि जो पाकिस्तानी मीडिया है और फिजा खान है वो माइनॉरिटी राइट की बातें कर रही है। इसका एक पार्ट जो है वो इससे पहले मैं इसके पहले वाले वीडियो में डाल चुका हूं, तो आप अगर चाहे तो उसको देख सकते हैं। और दोस्तों ये भी है कि आप देखिए इनका जो माइंडसेट है इंडिया को लेके और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, और जो जो डर है इनका कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अगर फिर से चुन के आ जाएंगे तो पाकिस्तान के साथ क्या होगा, और जो ग्रोथ है भारत का वो अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो इनका सिग्निफिकेंट है, जो पाकिस्तान है उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी, इन सब चीजों को सोच के वो कितने डरे हुए हैं। दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, धन्यवाद। इंदिरा जय सिंह साहिबा जो एक बहुत ही ज्यादा कदावर शख्सियत है, होगा इंतखाबात से रिलेटेड वो ये फरमा रही है कि अगर इंतखाबात में नरेंद्र मोदी ही जीत जाता है या बीजेपी दोबारा आ जाती है, वो कहती है बड़ा तबाहकुन साबित होगा, तबाहकुन लम्हा इस तरह है कि जी कानून की जगह मजहब की हुक्मरानी जगह ले रही है। कैसे देख रहे हैं, मंदे से भी आवाजें उठना शुरू होगी भारत से, और जारी बात है भारत हमारा पड़ोसी है और हम दोस्त तो तब्दील कर सकते हैं लेकिन पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते, तो खित्ते के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये ज़हनी मरीज नरेंद्र मोदी। जी हाँ, देखिए उन्होंने जो बात कही बल्कि सही कहा है, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें डेवलप हो रही हैं और इंडिया के अंदर भी जिस तरह आवाज़ें उठ रही हैं और स्पेशली जो राइट विंग के लोग हैं या इसके बाद लेफ्ट विंग वाले हैं और या इसके अलावा जो एक्टिविस्ट हैं, उनका यही मानना है कि जी सब्सिक्वेंटली जो एक किस्म की फासिज्म आ रही है इंडिया के अंदर और मजहब को बेस बना के ये कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि माइनॉरिटीज के साथ जिस तरह हमने बात की, चलो मुसलमान क्रिश्चियंस को हम साइड, दलित के साथ जो हरा दिया, 25 करोड़ दलित हैं, 17% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन के साथ जो, और इवन इसके अलावा शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहते हैं। आप ये देखिए वो अपनी अपनी मूवीज में अपने ड्रामों में चीज दिखा रहे होते हैं कि वहाँ पे जो दलित हैं या जो उनका छोटी जात पात का कॉन्सेप्ट है, जो उनमें समझा जाता है कि जात पात ये वो, तो वो उनके मंदिरों में नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते, साथ बैठ वो जहाँ से गुजरते उस जगह को साफ किया जाता है, ये मतलब ये क्या है कि कितना इंसानियत सोच सुनू क्या ये। जिस तरह की अभी आपने कहा ना कि सब्सिक्वेंटली होगा यही, कि अब देखें कि अब जो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि इट इज सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, सॉवरन है, कहाँ है, सब्सिक्वेंटली अब ये देखें हिंदुत्व है, हिंदुत्व है, अब ये इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे और ये हिंदुत्व रिपब्लिक के तौर पर से ये अमेंडमेंट इसमें आ जाएगी, जिस तरीके से डेवलपमेंट है। वैसे एक बात इंपॉर्टेंट चीज है, खुशवंत सिंह ने किताब लिखी थी द एंड ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने शुरू में लिखा है कि ऐसे हालात पैदा होंगे कि अल्टीमेटली इंडिया जो हो गए, इंडिया विल ब्रेकअप, अगर कोई मौजजा होगा तो हम इसको बचा सकेंगे, कर सकते हैं कि इंडिया के टुकड़े टुकड़े होते वो देख रहे हैं, यानी दोबारा 1947 होने जा रहा है इंडिया में। ये कि बेसिकली जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर जो ओवरऑल एक डिवाइड है वो अब रिलीजन के ऊपर आ गई है। आपने अगर आप देखें तो सहाफियों को ना सिर्फ टारगेट किया गया है, अगर वो मोदी को या बीजेपी के ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म करते हैं, अब आप देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सिर्फ ये कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जो इंडियन इंस्टीट्यूशन है जैसे कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट है वो भी बहुत ज्यादा हद तक अब आपको हिंदुत्व के अंदर आपको नजर आएगी।
जहाँ पे हिंदुत्व बहुत ज्यादा ओवरऑल इन्फ्लुएंस हो चुका है, जो वहाँ के चीफ जस्टिस है मिश्रा, वो आपको वहाँ पे वो सेक्रेनाइज रोब्स के अंदर मुख्तलिफ टेम्पल्स में वो विजिट करते हुए मिलेंगे। इसका जो एक कंसर्न है मेरे लिए वो ये कि अगर इसी तरह की जो सोसाइटी में अगर हिंदुत्व इसी तरह से परवान चढ़ता रहा तो ये चीज जब इंडियन फोर्सेज में आएगी और वहाँ से अगर कोई जो मिडिल रैंक का ऑफिसर ग्रेजुअली प्रमोट होता हुआ आर्मी चीफ बनेगा, इंडियन आर्मी चीफ, और इंडियन आर्मी चीफ बनते हुए अपने नजरियात को वो हिंदुत्व के अंदाज में वो सोचेगा तो मेरे ख्याल से वो पूरे रीजन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मुसलमानों के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, नहीं है, उन्हें आइडेंटिफाई करके साइडलाइन किया जा रहा है, दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उनके मजहबी मामलात के अंदर कभी यूनिवर्सल जो कोड है इनका, ये यूनिफॉर्म कोड जो है उसे लाकर दरअंदाजी की जाती है, दखलंदाजी की जाती है, कभी उनकी मसाजिद को मिसमार करके दखलंदाजी की जाती है और कभी उनके मज़ारात के ऊपर चढ़ाई करके दखलंदाजी की जाती है। मकसद क्या है? मकसद यह है कि वहाँ पर मुसलमान डर के साथ रहे, वो इस अफरीद को बर्दाश्त करे और वो मुँह से कुछ बोले ना। ये यहाँ पे सवाल ये पैदा होते हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी कहाँ पे है, जो किसी जगह के ऊपर हम इस पे बात कंडम करते हैं कि वहाँ पे अगर मंदिर को भी किसी क्रिश्चियन के जो गिरजाघर होता है वहाँ उसको भी गिराया जाता है या दलित के किसी इबादतगाह को भी गिराया जाता है तो उसको भी कंडम करना चाहिए। उसकी जो डेवलपमेंट हुई है गुजरात के अंदर 108 मज़ारात को भी के हवाले से, हाउ डू यू सी दिस कि इतनी आज़ादी अब मिल चुकी है और ये आज़ादी इनको कैसे हासिल हुई है? कोई कानून, कोई अदालत, कोई इदारा, कोई ऐसी जगह नहीं है जिससे पहले इजाज़त लें या जो इन्हें रोक सके? राम मंदिर की तामीर हो या फिर उनके मुख्तलिफ मसाजिद को मिसमार करके वहां पे शिवलिंग की बरामदगी हो तो भारतीय मुसलमानों का तो शराख का मसला बढ़ गया, उनके तशखुस का मसला बन गया, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा मसला है ये यकीनन। तो पॉइंट दूसरी बात नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली जब हम देखते हैं ये जो इदारे बने हैं जिन्होंने खुद ही तयन किया है कि हम किस लिए बने हैं, तो जहाँ तक मकबूजा कश्मीर का ताल्लुक होता है या वहाँ की बात होती है तो उस वक्त इनकी आंखें भी बंद हो जाती है, कान भी बंद हो जाते हैं, यानी जिसको आप दूसरे अल्फाज में कहेंगे कि वहाँ पर दोहरा मयार पेश आता है। और ये भी आप देख लीजिए, ये जो भारत ने अब जो इनका दावा है भारत का कि हम सेकुलर मुल्क हैं, हम जमहूरी मुल्क हैं, तो प्रैक्टिकल अब आप देखेंगे और इनके जो अमली इकदाम देखेंगे वो बिल्कुल इसके क्या इंडियन मुस्लिम की शनाख्त वाकई खतरे में पड़ चुकी है। मैं कह रहा हूँ कि देखिए कश्मीर का मसला एक बैन अवी मसला है लेकिन जो बाकी रियासतें हिंदुस्तान की है वहाँ पर जो लोग रहे तो वो भारतीय है, भारतीय शहरी है। मैं कहता हूँ न सिर्फ वहाँ पर मुसलमान बल्कि जो गैर रियासत यानी ये और लोग हैं मजहब से ताल्लुक रखते हैं, सिख हैं, उनकी ज़िंदगी भी अजीरन बनी हुई है और वो भी वहाँ पे सेफ नहीं है। और आप देख लीजिए जिनके हाथ में जमाम है यानी जिनके हाथ में हुकूमत है और वो बबांग दोहल उनके जो कारिंदे हैं और जो RSS है या दूसरी है तो एक ही है, चटे बटे हैं। तो इसका मतलब है भारत का ये जो दावा है कि हम सेकुलर है वगैरह, मुसलमानों की शनाख्त एट क्वेश्चन है, बल्कि हमारी फेथ जो है मुसलमानों कश्मीर में तो है ही, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के मुसलमानों की फेथ भी जो है ना वो सवाल या निशान है, यानी वो भी खतरे में है, एक तरह का खतरा नहीं है। ठीक दोस्तों, भारत जो है वो हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर कर रहा है जिससे वो अपनी आवाम को इंस्पायर कर रहा है। ये एक गगनयान मिशन है जो कि इंडिया का कहा जा रहा है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। कहा जा रहा है कि इसके हवाले से जो इसरो है उसके सेंटर्स के अंदर ये बड़ी तैयारी हो रही थी और ये प्लान था 2024-25 में कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। और ये जो लोग हैं, चार जो लोग हैं ये रशिया के अंदर, नॉट इन अमेरिका, इन रशिया। अब आपको पता चले इंडिया क्यों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। वो कहता है कि मैं अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, फ्लाइट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, नॉट विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, विद द सपोर्ट ऑफ द रशियन फेडरेशन। और वो जानबूझ के ये तासुर देते हैं कि हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात। दो, ये रशिया के अंदर एक लॉन्ग तरबियत इन्होंने ली एक साल की और अब सुना ये कि ये वापस आ गए हैं। और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं भारत के वज़ीर आज़म, उन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट्स भी इस हवाले से जो है वो लॉन्च किए हैं। उन्होंने 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, एक तो दे आर रिलेटेड टू डिफरेंट, इसरो इसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। अब ये है कि बेसिकली इसका लार्जली मकसद क्या है? इसका पहला मकसद यह है टू ज्वाइन द एलीट क्लब। ये जो गगनयान प्रोजेक्ट है ये किस चीज़ की डेमोंस्ट्रेशन है? व्हाट डज इंडिया वांट टू टेल? इट्स अ क्वेश्चन ना कि इफ़ अ कंट्री हैज़ अ स्पेस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम तो व्हाई, क्यों ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की कैपेबिलिटी इंडिया चाहता है? इंडिया जो है पर्टिकुलरली एशिया के अंदर इज इन अ कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटिशन लेके आ रहा है चाइना के अगेंस्ट। और वो कह रहे थे कि जी अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये भी बात चली है कि 2030 से पहले इंसान को चांद पे भेजना चाहते हैं चाइना भी और इंडिया भी। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने इस पेपर काफ़ी काम भी किया हुआ है, जैसे चंद्रयान 3 जो है जिसने चांद के जो साउथ पोल है उस पर लैंडिंग की थी। फिर नरेंद्र मोदी को इस चीज़ की समझ आ गई है कि अगर हम दुनिया के सामने अपने आप को पेश करना है या दुनिया के सामने अपने आप को लेके जाना है
तो देन इस पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और लोगों को इंस्पायर करना पड़ेगा। और ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इंडिया ने समहाउ इंडिया हैज़ इंस्पायर्ड मैनी इन द रीजन। इंडिया करता हूँ, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने वीडियो के अंदर देखा होगा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो किस तरीके से जो इंडिया है उसको अपने प्रोपेगेंडा जो फैला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर उसके थ्रू बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो माइनॉरिटी है भारत के अंदर वो सेफ नहीं है। और मैंने सुबह बताया था कि बात भी किया था कि जो इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटी है उनको राइट है और उनको अधिकार है कि वो जिस जगह चाहें वो अपनी मेहनत के बदौलत पहुंच सकते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट का पोस्ट हो या जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम वो टॉप साइंटिस्ट भी थे, उनको मिसाइल मैन भी बोला जाता है और इंडिया में इतनी रिस्पेक्ट है उनकी, चाहे इस समय जाकिर खान है, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। अगर हम गिनाने लगे बॉलीवुड से लेके और स्पेस तक, साइंस से लेके पॉलिटिक्स तक, हर जगह बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे जो हमारे माइनॉरिटी हैं वो वहां पे पहुंचे हैं, तो उनको उनके बोलने और ना बोलने से कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। एक चीज है कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन में जो एक तरीके से सर्टेन हो गया ये बात कि जो पीएम मोदी है वो बहुत भारी मतों से जीत के आएंगे, लेकिन आप जो उनको सपोर्ट करने वाले हैं आप ये मत सोचिएगा कि दूसरे जाके वोट करके आएंगे, तो ये सोच के आप कमजोर मत पड़िएगा। आप जाइएगा, अगर आपको मोदी के काम अच्छे लगते हैं या अगर आप किसी भी साइड हो तो आप वोटिंग जरूर करिएगा। अगर आप मोदी को सपोर्ट करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को वोट जाके वोट जरूर करिएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जो पाकिस्तानी है इस बात से डरे हुए हैं कि मोदी अगर सेलेक्ट होकर आ गए, फिर से चुनके आ गए तो क्या होगा, उनके साथ क्या होगा। और आप देखिए कि इन्होंने जो भारत की एक वकील है, एडवोकेट है, उनका नाम लिया था इसने और खुशवंत सिंह का नाम लिया था। एक चीज देखिए कि जो इकोसिस्टम, पुराना इकोसिस्टम जो चले आ रहा था, भारत को बदनाम करता रहता था, वो आज भी बदनाम करते हैं। हो सकता है कि आप और हम जो है बहुत सारे लोग जो इनका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन इनका इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है कि विदेशों में जो ये इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जैसे कि जितनी भी रेटिंग आती है हंगर इंडेक्स से लेकर जितनी भी रेटिंग आती है, वो ये जो इलीट होते हैं वो जब सर्वे करते हैं तो इन्हीं इलीट से पूछते हैं, और ये इलीट जो है वो भारत को गलत दिखाते हैं, भारत के बारे में गलत बोलते हैं, और वो वहां पे जो उनका इंडेक्स होता है वो बनाते हैं और उसे लिखते हैं और उसको जारी करते हैं उसी के इनके रिपोर्ट के आधार पे। तो आप देखिए कि ये कैसे इंपैक्ट करते हैं देश को, कि इनका भारत में इनको कोई नहीं जानता, लेकिन जो इनका सर्कल है वो इतना स्ट्रांग है कि इसका यूज करके वो भारत को डिमीन करने की कोशिश करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को डिमीन करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं देखते कि इतने दिनों में भारत ने क्या क्या अचीव किया। अभी भारत जो पांचवा लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमारी जीडीपी इतनी बड़ी है, हमारे यहाँ डेवलपमेंट इतनी तेज हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से बढ़ रही है, स्पेस में देखिए चंद्रयान, सूर्ययान, फिर अब गगनयान जा रहा है और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब एम्स, आईआईटीज ये सब खुल रहे हैं, इतना डेवलपमेंट हो रहा है भारत के अंदर। तो अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम वोट देंगे पीएम मोदी को, अगर कुछ चाहे कोई कुछ भी बोले। एक और चीज है कि आपने देखा कि कमल सिंह ये बार बार बोल रहा है कि जो गगनयान मिशन वो इसलिए क्योंकि भारत को बस एक इलीट क्लब में शामिल होना है। एक इलीट क्लब ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये यंग जो जनरेशन आने वाली है उसको फायदा करेगा, वो इंस्पायर होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो एक और स्तर पे पहुंच जाएगा, जो हमारा स्पेस मिशन है और कोई भी चीज जो है टेक्नोलॉजी है, साइंस है, जो पहले स्पेस में और ये जो एक एपेक्स पे जो ये सारी टेक्नोलॉजी होती है वहां से धीरे धीरे बाकी जो सेक्टर है जैसे ऑटोमोबाइल है और बाकी सेक्टर वहां पे पहुंचती है, तो ये बहुत फायदा करेगा लॉन्ग टर्म में। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप बताइए कैसी लगी, और प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।